So, जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बात की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिस्कशन किया, और इसी के साथ साथ हमने प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स से सैटेलाइट एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड द पॉसिबल केसेस, इस पर कुछ अच्छा डिस्कशन किया। आज का जो अपना टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, एंड इट विल बी कंटिन्यूड विद द डिस्कशन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये दो तीन बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा, और इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो आई विल बी कीपिंग सम और आई विल बी डिस्कसिंग सम गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विथ कंसिडरिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टन मास एम। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है अपने पास जिसका कुछ मास है, मान ले एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टन मास कैपिटल एम। अब इसके सामने कहीं पर एक दूसरा मास हमने रखा स्मॉल एम एट अ सर्टन डिस्टेंस आर। तो हम एक बढ़िया सी बात यहां कहते हैं कि इन दोनों मासेस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाता है, और वो फोर्स बाई न्यूटन्स लॉ हम क्लेम करते हैं जी एम एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट इट, वेक्टर कंसिडरेशंस, फोर्स के मल्टीपल मल्टीपल बॉडीज अगर हैं तो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए एंड ऑल दैट, ये सब हमने कंसिडरेशन किया। अब एक बात यहाँ समझने लायक है, या हम कह सकते हैं कि सोचने पर हमें मजबूर करती है। देखो, इन दोनों बॉडीज में फोर्स आ गया है ना। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करने लग रही हैं। ठीक है, यहां भी एफ आएगा मैग्नीट्यूड में और यहां भी एफ आएगा मैग्नीट्यूड में, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग रही है। अब जरा इस बात पर गौर करें, फोर्स इन दोनों बॉडीज में आ गया, हाउएवर इन दोनों बॉडीज का कोई फिजिकल टच, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था। बिना कांटेक्ट के इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया, है ना, सोचने लायक बात है ना। यस सर, ऑन एन ऑर्डिनरी बेसिस हम फोर्स के बारे में जब बात करते हैं, या हम जब किसी ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया ये कहते हैं, तो देयर शुड बी अ सर्टन टच, देयर शुड बी अ सर्टन कॉन्टैक्ट, देयर शुड बी अ सर्टन मीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एक दूसरे को वो टच करेंगे तभी फोर्स लगेगा, ये एक जनरल प्रोस्पेक्टिव है। बिना टच करे किसी चीज पर फोर्स लग गया, मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट अप्रोच रहा होगा। तो यहां इसने कोई कांटेक्ट तो यहां किया नहीं, कोई टच तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसने इस पर एक तगड़ा बड़ी अमाउंट का फोर्स लगा दिया। अब हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये फोर्स कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, हमने जो अब तक पढ़ा या हमें जो चीजें समझ में आती हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो हम यही कहते हैं कि फोर्स उसी वक्त लगेगा जब हम किसी चीज को टच करके, बाकायदा उसे कॉन्टैक्ट करके फोर्स लगाएं। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में पढ़ा भी है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिफाइन करते वक्त हमने बोला ना, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट की वजह से आते हैं और ऐसे फोर्सेस जो फील्ड की वजह से आते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये फील्ड फोर्स है। अब फील्ड फोर्स का क्या मतलब होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, अब इसका कुछ मास मैंने डिस्क्राइब कर दिया कैपिटल एम, तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह मैं यहां ट्रीट कर रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने सराउंडिंग में, चारों तरफ अपनी सराउंडिंग में अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पकड़, अपनी मौजूदगी बनाता है, अपना इन्फ्लुएंस बनाता है।
बिल्कुल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहें तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग वाले मीडियम की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है, उसे बदलता है। ठीक है, अब आम जुबान में हम इसे समझना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल पर हम समझना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सर्टन डिस्टेंस तक आने वाले मीडियम में, सर्टन डिस्टेंस तक आने वाले स्पेस में अपना दबदबा बना देता है, अपनी पहचान बनाता है, या ऐसे कहो अपनी छाप छोड़ता है। ओके, तो ये जो सारा पॉसिबल एरिया यहां बनेगा, या मुझे कहना चाहिए ये जो सारी पॉसिबल वॉल्यूम यहां बनेगी, जो भी स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाई किया जाएगा, उस सारे स्पेस में हम कह सकते हैं कि इस मास का प्रेजेंस है। भले वो मास फिजिकली वहां मौजूद नहीं है, लेकिन इस मास का प्रेजेंस वहां जरूर मौजूद है। तो ये जो सारा स्पेस है जिसे मैं येलो शेड कर रहा हूं, इस सारे स्पेस को हम क्या नाम देंगे? यस, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कोई भी दूसरा मास अगर इस फील्ड में आ जाता है, कोई भी दूसरा मास, मान लीजिए एम मास इस फील्ड के अंदर एंटर करता है, भले बाउंड्री पर या नजदीक कहीं भी एंटर करे, तो ये उस पर फोर्स जरूर लगाएगा। लेकिन अगर ये मास इस फील्ड से, इस मैदान से, इस पोर्शन से, इस वॉल्यूम से बाहर है, तो ये इस मास के इन्फ्लुएंस वाली पोर्शन से बाहर है, इसलिए इस पर फोर्स नहीं लग सकता। अब इसे समझने के लिए एकदम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। घर में हम लोग रहते हैं, है ना, हमारा बिहेवियर उस वक्त जब घर में अब्बा मौजूद हैं तब कैसा होता है, और जब घर में अब्बा मौजूद नहीं है तब कैसा होता है, फर्क आता है ये सुनो। खैर आजकल के पेरेंट्स काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन फिर भी ठीक है, फादर की मौजूदगी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है एटलीस्ट। हालांकि आपके फादर आपको इन पर्सन देख नहीं रहे होंगे, फॉलो अप नहीं कर रहे होंगे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक किस्म का डर मौजूद रहता है, यार घर में अब्बा है, अपन कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. तो वो जो चीज हो गई ना, वो अब्बा का जो डर हो गया ना, फादर का जो डर हो गया ना, वो फादर वाला फील्ड हो गया। वैसे ही क्या होगा कि कोई भी एक मास अपने सराउंडिंग वाले रीजन में क्या करेगा, अपना दबदबा पैदा करेगा, अपना इन्फ्लुएंस पैदा करेगा। ठीक है, वो कैसे करता है, तो मैं बस एक लाइन आपको यहां कह सकता हूं इस स्टेज ऑफ स्टडी पर, कि वो आजू बाजू की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है अपने हिसाब से। तो वो सारा पोर्शन जहां इस मास के प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, इस मास की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है, इस मास की मौजूदगी का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस सारे पोर्शन को हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो मास जितना बड़ा होगा उसका फील्ड उतना ही बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम की, तो अर्थ और मून, मून जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अर्थ से बाइंडेड है वो, उसका अटैचमेंट अर्थ के साथ है, अर्थ ने उसको होल्ड करके रखा है, इसलिए वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। अब एक सर्टन लिमिट तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन इमेजिन करिए सन, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में तो सारे प्लैनेट्स आते हैं फर्स्ट टू लास्ट। अब सन का ग्रेविटेशनल फील्ड तो बहुत बड़ा है, क्यों इतना बड़ा है सन का ग्रेविटेशनल फील्ड? क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज भी उतना ही ज्यादा होगा, वो उतने ही दूर तक के डिस्टेंस तक अपने इन्फ्लुएंस को पैदा करेगा, अपने इन्फ्लुएंस को बनाएगा, अपने दबदबे को बनाएगा। ओके, ठीक। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा मास आ गया, तो इस मास के फील्ड में वो आ रहा है, इसलिए फोर्स तो बनना ही बनना है, बिना टच करे भी यहां पर फोर्स बन जाएगा, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू दिस रीजन, यू आर एंटरिंग इनटू दिस रीजन। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको समझने के लिए, मान लेते हैं कि आपको पता चल जाता है कि किसी गली में एक बड़ा ही खूंखार जो है डॉग है, एकदम खतरनाक, वहां गए तो वो चीरफाड़ कर देता है, मार देता है, वहां जा नहीं सकते मतलब। अब आपको किसी दिन वहां जाना पड़ा, भले वो चेन से बांधा हुआ रहेगा, उसके ओनर ने उसको बांध के रखा होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, खाली छोड़ा नहीं है उसको, प्रिकॉशन सारे ले रखे हैं उसने, गेट के अंदर बंद होगा,
चेन से भी बांधा होगा उसके ओनर ने उसको, लेकिन फिर भी जब हम वहां जा रहे होते हैं तो हमारे दिल में डर पैदा हो जाता है। हालांकि वो तो हमसे अभी उसने कुछ अटैक नहीं किया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमको नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिल में डर पैदा हो जाता है बिना उस डॉग को देखे। तो वैसा ही कुछ असर यहां होता है। ओके, तो इस चीज को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और यकीन माने ऐसा फील्ड चार्जेस का होगा, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसा ही फील्ड मैग्नेट्स का होगा, उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक। तो सिमिलर टाइप ऑफ स्टडीज हमें अगले चैप्टर्स में क्लास 12th में करनी होगी। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ स्टडी। फिलहाल जो हम ग्रेविटेशन के नाम पर पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम पर पढ़ेंगे चार्जेस के लिए, और आगे जाके हम मैग्नेटिज्म के नाम पर पढ़ेंगे फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अब इसमें हम दो चीजें आज डिस्कस करना चाहते हैं। पहली जो चीज है हमारी वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूं और हमेशा की तरह मैं स्लो ही चलूंगा ताकि कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो। तो पहली चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर किसी जगह पर है तो जाहिर बात है उस फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी मिकदार, ठीक है, उसका फीलिंग कितना है, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना है, हुआ ना। जस्ट इमेजिन करिए आप इस फील्ड के एकदम बाउंड्री पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल आउटर पोर्शन पर हैं, तो क्या लगता है इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा या कम? कम कम होगी। होगी। और अगर आप इस कम फील्ड के अंदर बहुत नजदीक तक चले गए हैं मास के, तो ऑब्वियस बात है फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा ज्यादा होगी। तो फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है हमें ये भी समझना है, और इनफैक्ट आज हम अलग अलग बॉडीज के लिए इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है इस पर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं कि किसी भी गिवन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिफाइन की जाती है बहुत सिंपल तरीके से, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, कैसे डिफाइन की जाएगी, फोर्स पर यूनिट मास। जैसे समझने के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है स्मॉल एम और एक यहां पॉसिबल दूसरा मास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्मॉल एम, और ये वाला जो पहले वाला था वो कैपिटल एम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, आर। अब आप मुझे बताइए इनमें मैं फोर्स कैसे लिख पाऊंगा, तो मैं लिखूंगा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर का आर स्क्वायर। स्कूल अब इमेजिन करते हैं कि इस मास को तो हम जैसा है वैसे रखेंगे, डिस्टेंस भी जैसा है वैसे मेंटेन कर लेंगे, लेकिन सामने वाला मास हटा देंगे। और अब हमें फोर्स नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि इस मास से जो फील्ड बनेगा उसकी इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी, उसकी मिकदार यहां पे क्या होगी, वो इस जगह पर कितना इंटेंस है। तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू जो भी पॉसिबल फोर्स आ सकता है अगर कोई मास रखा जाए तो, डिवाइड करें उसे उसी मास से। तो अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एम डिवाइडेड बाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, आर का स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सही जा रहे हैं? यस सर। ओके, अब सर जरा सोचिए कि इस जगह पर अगर ये वाला मास आ गया तो इसी इंटेंसिटी की वजह से वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू दिस इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ये है, इसको इस मास से मल्टीप्लाई करिए, ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फोर्स में से इस मास को निकाल दीजिए तो यही चीज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे छोटा सा डेफिनेशन अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का बनाना चाहता हूं तो वो क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट मास। बट माय पॉइंट? यस सर। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डू रिमेम्बर दैट। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन अगर मैं सही तरीके से दिखाना चाहूं तो इट हैज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। जिस मास के लिए हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी तरफ ये डायरेक्ट होगी हमेशा, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप फॉर्मूला भी देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ही आ रहा है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समथिंग डिफरेंट।
and gravitational field intensity is something different. Okay. So इसकी जो direction होगी वो हमेशा होगी towards the center of mass. Can you tell me कि मैं इसका unit क्या लिख सकता हूँ? सोच समझ के बताइए. Force per unit mass, F by M. तो unit बनेगा. Yes. Unit बनेगा. Newton per kilogram. Correct है? It is force per unit mass है ना? So, इसका यूनिट क्या बनना चाहिए? न्यूटन पर किलोग्राम. कैन यू टेल मी इसका डायमेंशन क्या बनेगा? तो न्यूटन का डायमेंशन बनेगा एम वन एल वन टी माइनस टू. पर किलोग्राम के हिसाब से डायमेंशन बनाएंगे नीचे तो आ जाएगा एम वन एल जीरो टी जीरो. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो डायमेंशन हमें एक्सपेक्टेड होगा एम जीरो एल वन टी माइनस. सो दिस कुड बी एन एक्सपेक्टेड डायमेंशन फॉर डी इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. कभी कभी पढ़ते वक्त इसे सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है, इंटेंसिटी नहीं बोलते हैं. पर जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे तो वी आर मोर लाइकली टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. गेटिंग द पॉइंट? कभी कभी इसे आई जी ऐसी टर्मिनोलॉजी से लिखा जाएगा और कभी कभी सिर्फ ई लिखा जाएगा, ई ओनली ई. तो टर्मिनोलॉजी या नाम से कभी कोई गड़बड़ मत करना. Sometimes it is called only gravitational field. Sometimes it will be just completely pronounced like gravitational field intensity. कभी-कभी इसे IG ऐसे symbolically बताया जाएगा, कभी-कभी E ऐसे बताया जाएगा. तो numericals करते वक्त कभी कोई गड़बड़ मत करना. Do remember vector quantity है. सबसे छोटा definition अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो force per unit mass है. अब मैं कुछ bodies के बारे में आपके सामने इसका कुछ discussion रखता हूँ. जैसे सबसे पहली बॉडी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है पॉइंट मास. ठीक है, पॉइंट मास मतलब मास का कोई डायमेंशन नहीं है, एक छोटे से पॉइंट की शक्ल में उसका वॉल्यूम नियर अबाउट जीरो माने. ठीक है, नियर अबाउट छोटे से पॉइंट की शक्ल में एक मास है एम. इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर मान लेते हैं इतना आर, आपको ये पॉइंट रेफर करते हैं, आपको इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना है तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आ जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. तो पॉइंट मास वाला मामला तो काफी क्लियर है. आपको मेरी बात समझ आई अच्छे से? यस. हाँ, अब दूसरी बात करते हैं. दूसरे केस में हम लेना चाहते हैं स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है बेटा हॉलो स्फीयर. कैसा स्फीयर? हॉलो, खाली. ठीक है, अंदर से खाली, हॉलो स्फीयर. तो बच्चों हमने हॉलो स्फीयर ले लिया, ध्यान से समझना. हॉलो स्फीयर हमने ले लिया, हमने ये कहा कि इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है और इसके सेंटर से हम कहीं दूर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं आर डिस्टेंस पर और इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना है. तो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है. बट इसी होलोस्फीयर के केस में हम अगर ये कंसिडर करें जिसका रेडियस आर है, ठीक है, ऑफ कोर्स मास एम लेना चाहिए मुझे. इसी होलोस्फीयर के केस में अगर हम ये कंसिडर करें कि हमने पॉइंट जो है एग्जैक्टली सरफेस पर ले लिया, ठीक है, बाहर नहीं लिया, हम यहां इंटेंसिटी नहीं निकालना चाहते, हम एग्जैक्टली सरफेस पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला इस सिनेरियो में लिख सकते हो आई जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? फ्रॉम द सेंटर. बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज मेरे सामने ये आती है कि अगर इस हॉलो स्फीयर के कंसिडरेशन में जिसका रेडियस हम डिस्क्राइब करते हैं आर है, अगर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इनसाइड कहीं किया जाता है, अंदर कहीं किया जाता है, अंदर कहीं भी, ठीक है, हियर एट द सेंटर, हियर 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 हियर, कहीं भी अगर किया जाए तो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आता है जीरो. ठीक है, तो ये शेल की तीनों बातें हमें अच्छे से याद रखनी चाहिए. ऑफकोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. सेंटर से कहीं दूर बिल्कुल आउटर पोर्शन में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? थोड़ा सा मेहनत करके आपको ये याद करना है. ठीक है, डेरिवेशन हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे मेंस हो या नीट हो,
हमको डेरिवेशन में नहीं जाना है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज कर लें, वक्त बचाएं, चीजों को समझें और अपना काम पूरा कर लें। तो बाहर कहीं हम लोग जाते हैं, ठीक है, सेंटर से दूर, सरफेस से दूर, तो आंसर आएगा जीएम बाई आर स्क्वायर, वेयर दिस डिस्टेंस इज काउंटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द शेल, होलोस्फीयर। एग्जैक्टली सरफेस पर आते हैं तो यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर कहीं भी देखोगे ना, एनीवेयर इनसाइड, एनीवेयर इनसाइड, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इसकी, जीरो। मेनी टाइम्स एग्जामिनेशन में इसका ग्राफ पूछा जाता है, बहुत बार इसका ग्राफ भी पूछा गया है एग्जामिनेशन। एक स्फेरिकल शेल के लिए डिस्टेंस वर्सेस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बना के बताइए, तो काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ है बेटा, ध्यान से देखना। मान लेते हैं तुम सेंटर पे हो शेल के, यानी कि इस स्फीयर स्फेरिकल शेल के सेंटर पे हो, तो कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, जीरो। सेंटर से आगे इधर 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 जब तक तुम सरफेस तक नहीं पहुंचते तब तक इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो ये जीरो रहेगी, जीरो रहेगी, जीरो रहेगी, जीरो रहेगी, जीरो रहेगी, कब तक, जब तक डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ना हो जाए, करेक्ट है, यस सर। अब जैसे ही डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस हो गया तो ये ग्रेविटेशन इंटेंसिटी शूट अप हो गई एक वैल्यू पर, और ये वैल्यू हमको मिलती है जी एम बाई क्या चीज, आर का स्क्वायर, करेक्ट है। जैसे ही हम लोग सेंटर से सरफेस पर आ जाते हैं तो एकदम से ये शूट अप हो गई, कितनी वैल्यू, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू। अब मान लेते हैं हम सरफेस पर पहुंचे तो हमें जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर मिला। अब हम सरफेस से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो क्या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, यस यस सर, बिल्कुल डिक्रीज होना चाहिए, आप दूर जा रहे हैं। तो इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ये डिक्रीज होगी। इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होगा कि फर्दर ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा आएगा, एक कर्व की शक्ल में आएगा, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, इनवर्स स्क्वायर, यस सर, कर्व कह सकते हो इसको, ये ऐसा आएगा। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये ग्राफ भी पूछा गया है कि स्फेरिकल शेल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो यू हैव दिस काइंड ऑफ नेचर। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट आफ्टर कंसीडरिंग पॉइंट मास, स्फेरिकल शेल, द नेक्स्ट एस्पेक्ट आई वांट टू डिस्कस इज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जानते हो क्या है, अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ विल बी द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल फॉर सॉलिड स्फीयर, गेटिंग इट, यस। कोई भी प्लैनेट सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब इसके लिए भी मैं तीन केसेस या तीन कंसिडरेशन बच्चों यूज करता हूं। पहला कंसिडरेशन मैं कुछ ऐसे लेता हूं कि ये सॉलिड स्फीयर है, नाउ आई हैव टू शेड इट, हल्का सा मैं इसको शेड कर दूं सो दैट के सॉलिड होने का इसमें फीलिंग आ जाए। तो ये सॉलिड स्फीयर है जिसके डिस्क्रिप्शंस ये हैं कि इस सॉलिड स्फीयर का मास m है और इसका रेडियस अगर हमसे पूछा जाता है तो r है, और हम कहीं स्मॉल r इस डिस्टेंस पर हैं और हमें यहां इसके लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लिखना है, तो वी हैव अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट वी कैन राइट जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपने नोटिस किया कि होलोस्फीयर बाहर वाले पॉइंट के लिए और सॉलिड स्फीयर बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, यस सर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, सॉलिड स्फीयर है बट हम इस सॉलिड स्फीयर के कंसिडरेशन में जिसके डिस्क्रिप्शंस हैं कि इसका मास m है, सेंटर और रेडियस r है, अब हम पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस लेना चाहते हैं, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, तो हम ये देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगी, यस, कैन यू सजेस्ट, जीएम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा केस कंसिडरेशन में लाते हैं, तीसरे केस में ऑफकोर्स द डिस्क्रिप्शंस आर क्वाइट सिमिलर, सॉलिड स्फीयर ले लिया हमने, मास एम है, ओके, रेडियस की बात करें तो रेडियस आर है,
लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो अंदर कहीं है, इनसाइड, एट अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल आर, सरफेस से अंदर हमने कहीं एक पॉइंट कंसिडर किया, जैसे होता है ना हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द डेप्थ, इनसाइड द अर्थ निकालते हैं ना, वैसे तो हम अंदर का कोई पॉइंट कंसिडरेशन में लाते हैं। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए यहां पर आंसर जीरो नहीं है। शेल के लिए कितना था? जीरो। कहीं भी जाओ शेल के अंदर जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होलोस्फीयर में जीरो, पक्की बात एकदम। लेकिन यहां पर जीरो नहीं होगा, बल्कि यहां पर अगर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है, ध्यान से देखिए, Tmr डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस पे करना पड़ेगा। अब इसके डेरिवेशंस हैं, बट डेरिवेशंस को करना मेंस तक की एग्जामिनेशन के लिए कोई खासा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर मैं इसके डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, और नीट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। कंडीशंस आप याद रख लें और कुछ लॉजिक्स हमें इसमें पता चल जाएंगे कि हम कैसे याद रखें फॉर्मुलेस को। ठीक है, डिस्कशन करते करते मैं आपको बाद में कुछ लॉजिक्स भी बता दूंगा कि इन फॉर्मुलेस को हमें कैसे याद रखना है। तो इनसाइड अगर कहीं पॉइंट में कंसिडर करता हूं तो ये फॉर्मूला आएगा, GMR डिवाइडेड बाय R क्यूब। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब इमेजिन करते हैं कि हमने पॉइंट का कंसिडरेशन किया एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। थोड़ा फोकस कर लें बेटा आप, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आर जीरो है, स्मॉल आर जीरो है। देखिए अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे चला जाता है तो स्मॉल आर को तो जीरो करना पड़ेगा। अब यहां स्मॉल आर को जीरो करिए, आंसर क्या आएगा? यस जीरो हो जाएगा। मतलब सॉलिड स्फीयर में भी इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, कहां? सेंटर पर, सेंटर सेंटर से हटके कहीं भी जाओगे तो इतनी आएगी, सरफेस पे जाओगे तो इतनी आएगी, सरफेस से छोड़ के बाहर जाओगे तो इतनी आएगी। हाँ जीरो होगी बट एग्जैक्टली एट द सेंटर। अब अगर हम इसका भी ग्राफ बनाने लग जाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना। अगर हमने इसका ग्राफ बनाया सॉलिड स्फीयर के लिए, डिस्टेंस वर्सेस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिस्क्राइब फॉर सॉलिड स्फीयर, तो शुरुआत हमें जीरो से करनी पड़ेगी बेटा। देखिए सेंटर से शुरुआत की हमने, तो सेंटर पे तो इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो। जीरो होनी चाहिए। अब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, तो देखो जी एम और ये आर, ये तो कांस्टेंट है ना, जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? आर को। आर को, डिस्टेंस को, स्मॉल आर को। तो जैसे जैसे ये आर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समथिंग लाइक दिस, बढ़ती जाएगी। तो इस पोर्शन में हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक आप सरफेस पर नहीं पहुंच जाते। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और जैसे ही आप सरफेस पर पहुंच गए वैल्यू मैक्सिमम हमको मिली जीएम बाई आर स्क्वायर। व्हाट द पॉइंट? यस सर। फर्दर मोर अगर हम सरफेस से भी बाहर जाने लग गए तो जी और एम कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, तो फिर वैल्यू क्या और बढ़ेगी क्या घटेगी? घटेगी। घटेगी। अच्छा ऐसे सीधे घटेगी या एक हाइपरबोलिक कर्व में आएगी? हाइपरबोलिक कर्व। ऐसे हाइपरबोलिक कर्व में आएगी, बिकॉज इनवर्स स्क्वायर रिलेशन एक्सपेक्टेड है। तो फर्दर डिस्टेंस बढ़ाने पे हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू एक ऐसे हाइपरबोलिक कर्व की शक्ल में डिक्रीज होती है। आपको इस ग्राफ को देखकर कुछ याद आना चाहिए, इस तरीके का ग्राफ हमने एक और बार बनाया है, एक और जगह बनाया है, बताइए कहां? सेम इस तरीके का ग्राफ, एग्जैक्टली सेम, ग्रेविटेशन। ठीक है, योर नेटवर्क इज स्लो बट यू आर नॉट स्लो, सही बता रहे हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जब हमने ग्राफ बनाया था डेप्थ और हाइट के लिए, तो एग्जैक्टली इसी तरीके का ग्राफ आया था। सो फर्दर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसलिए ये एक कर्व बना और ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो ये ग्राफ्स भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको तीन टाइप की बॉडीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, पॉइंट मास, स्फेरिकल शेल, याद रखना स्फेरिकल शेल के अंदर कहीं भी जीरो होता है,
सॉलिड स्फीयर बाहर की तरफ, सरफेस पर, अंदर और एग्जैक्टली एट द सेंटर। अब एग्जामिनेशन के पिछले पेपर्स अगर हम रेफर करते हैं तो हमें एक और बॉडी के बारे में क्वेश्चंस दिखते हैं और वो बॉडी है रिंग। ठीक है, रिंग। जैसे मैं यहां पे एक रिंग का रिप्रेजेंटेशन करता हूं लाइक दिस। डिस्क्रिप्शंस ये हैं कि इस रिंग का ये सेंटर और ये इसका रेडियस है आर। अब रिंग के सेंटर से कहीं दूर आपने एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ले लिया एट अ डिस्टेंस आर और आपको इस जगह पर बताना है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है विद अ कंसिडरेशन कि रिंग का मास एम है। ओके, कंडीशन समझ आ गई आपको? यस यस सर। अब इसका अपना एक डेरिवेशन है, ठीक है, वी कैन डिस्कस एट सम टाइम, अगर हमें वक्त मिला तो हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन बना सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा एलिमेंट चॉइस किया जाएगा। एलिमेंट के लिए पहले ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाली जाएगी, काउंटर एलिमेंट दूसरे साइड से भी चॉइस किया जाएगा एंड सो ऑन, एक प्रोसीजर है इसका। बट मैं फिलहाल ये जरूरी नहीं समझता हूं कि हम इसको डेराइव करके याद रखें, ये एक स्टैंडर्ड केस है तो हमें इसे समझ लेना चाहिए, हमें इसे याद रख लेना चाहिए, इसके फॉर्मूले को हमें याद रख लेना चाहिए। ओके, सो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू गिव यू द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इन केस ऑफ अ रिंग इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड द डिस्टेंस इज आर। सो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है आई जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2। फॉर्मूला देख के डरना मत प्लीज, ठीक है, मन में फॉर्मूले को दोहराओ, रिपीट करो फॉर्मूले को। जी एम आर स्मॉल आर पर्टिकुलरली बोले तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2। और ऑफ कोर्स ये इंटेंसिटी इस रिंग के सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगी। ठीक है, इसके डेरिवेशन को मैं आपको फिर कभी किसी मौका मिलने पर आपको बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है। ओके, एंड एग्जैक्टली सेंटर पर अगर हम निकालना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन करिए कि हमें इसे एग्जैक्टली सेंटर पर निकालना है, यहां एग्जैक्टली सेंटर पर। तो जब हम सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। जस्ट पुट अप यहां जीरो, तो फिर इसका पूरा आंसर क्या आया? जीरो। जीरो मतलब रिंग के सेंटर पर भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, अदरवाइज इस फॉर्मूले से बनेगी। अब एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई सेंटर पे जीरो है और एकदम इंफिनिटी पे जाओगे तब भी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी, अब बताओ मैक्सिमम कहां होगी? ठीक है, एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन आई जी विल बी मैक्सिमम। तो ये भी एक स्टैंडर्ड केस है। अब नीट के स्टूडेंट्स के लिए या खास करके अपनी एमएचसीईटी महाराष्ट्र की स्टूडेंट्स के लिए इतने ज्यादा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती है, तो हमें इसे एज अ जनरल केस याद रख लेना चाहिए, एज अ नॉट जनरल केस, एज अ स्पेसिफिक केस हमें इसे याद रख लेना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, फिर उस डिफरेंशिएशन से मैं मैक्सिमा निकालने की कोशिश करूंगा। एनी हाउ आई गिव यू द सिचुएशन, तो इसका आंसर है कि सेंटर से, ठीक है, सेंटर से जब स्मॉल आर का वैल्यू आर बाई रूट टू होगा प्लस या माइनस, मतलब इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, आइदर ऑन दिस साइड और ऑन द अदर साइड, तब इस आई जी का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। तो आई जी कैसी हो जाएगी बोले? मैक्सिमम। ठीक है, सिचुएशन समझ आई आपको? कब मैक्सिमम होगी ये? जस्ट टेल मी। जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का डिस्टेंस हो जाएगा आर बाई रूट टू, आइदर ऑन दिस साइड और ऑन द अदर साइड, नो इश्यूज, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो। ओके, तो आई जी का वैल्यू हमको मिलेगा मैक्सिमम। हिटिंग माय पॉइंट?
यस यस सर। और अगर हम ये वाक्य कैलकुलेट कर लें, बड़ा आसान है कैलकुलेट करना, जस्ट पुटअप दिस स्मॉल r एज r बाई रूट टू, यहां ऊपर भी पुटअप कर लो या नीचे भी पुटअप कर लो और फिर इसका सॉल्यूशन बनाने लग जाओ। तो इफ यू लिटरली कैलकुलेट दिस वैल्यू, ig का मैक्सिमम वैल्यू हमने पुटअप कर दिया भाई, जो कंडीशन हमको बताई गई थी ना, हमने क्या किया इस r की वैल्यू को यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने पुटअप कर दिया, तो फिर हमें इसका एक रिस्पेक्टिव आंसर मिलेगा एंड दैट आंसर इज मैक्सिमम वैल्यू 2gm डिवाइडेड बाय 3√3r का स्क्वायर। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अब मन में एक क्वेश्चन भी आएगा, यार इसका ग्राफ कैसे बनाए, फिर हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ओके, जैसे इस रिंग को ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये रिंग है यहां पर, ये जो है हो गई हमारी एक्सियल लाइन ऐसी और ऐसी, ठीक है। दो पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के, माइनस आर बाई रूट टू भी हो सकता है और प्लस आर बाई रूट टू भी हो सकता है, करेक्ट है। इस जगह पर एक्सेलरेशन, सॉरी दिस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस और इस जगह पर डायरेक्टेड लाइक दिस। तो यहां वाली सारी जगहों पर हम चेक करेंगे तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में है, करेक्ट है, एक्सिस के हिसाब से बात करूं मैं तो, और यहां वाली सारी जगहों पे चेक करेंगे तो दिस ग्रेविटेशनल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ की लाइन मैंने ऐसे बनाई एग्जैक्टली रिंग पर, ओके, द नेचर ऑफ द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, मैक्सिमम डिक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज, गेटिंग द पॉइंट। ये बराबर यहां पे जीरो, आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू आई यहां और यहां पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू आई। अब आप नोट करें ये जगह क्या होनी चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से बात करें हम तो, दिस पोजीशन शुड बी व्हाट, r बाय रूट टू, एंड दिस पोजीशन शुड बी व्हाट, r बाय रूट टू। टेक्निकली ये माइनस, टेक्निकली देखा जाए तो ये प्लस, यहां प्लस वाली सारी जगहों पे मैंने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के वैल्यू को बाई डायरेक्शन नेगेटिव दिखाया है, देख रहे हो आप, क्यों नेगेटिव दिखाया है यहाँ की सारी वैल्यूज को, बोलो, एरो देख रहे हो आप कैसा है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और इधर वाली सारी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव दिखाई है मैंने, ये देखो वैल्यूज को मैंने पॉजिटिव दिखाया है क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव साइड की तरफ है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं और रिंग को मैंने ऐसे होल्ड किया, ऐसे इमेजिन कर लूं, तो मैं पॉजिटिव पोर्शन पर नेगेटिव वैल्यूज को दिखाऊंगा और नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, गेटिंग द पॉइंट। हाँ, मैग्नीट्यूड में सीधा साधा ग्राफ भी बना सकते हैं और सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड में ही बनाना चाहते हैं तो हम बस ऐसे कह सकते हैं लाइक दिस और हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस हो गया आर बाई रूट टू, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नीट्यूड में अगर हमें कहना है, बट मोर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैन बी शोन लाइक दिस, ओके विद दिस। यस सर। तो आप बताएं मैंने आपको कितनी बॉडीज के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए, सारे आंसर्स चाहिए मुझे, फोर, वेरी गुड। पहली बॉडी कौन सी थी, पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास के लिए कोई स्पेशल केस वगैरह नहीं बनता है, पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सीधा सीधा gm बाई r स्क्वायर आई, ओके विद दिस। यस। दूसरी बॉडी मैंने कौन सी बताई आपको, स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब हो गया होलोस्फीयर, है ना, बॉयज है ना, बॉयज भी आवाज दे जरा, जवाब दे बॉयज, स्फेरिकल शेल, शेल के बाहर gm बाई r स्क्वायर, शेल के सरफेस पे रेडियस, और शेल के अंदर जीरो। ग्राफ समझ आया सबको, जब तक हम सरफेस पे नहीं आते तब तक जीरो है, बाहर जाएंगे तो एक हाइपरबोलिक कर्व में ये डिक्रीज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से। अब सॉलिड स्फीयर बाहर उतना ही जितना शेल का है, सरफेस पे उतना ही जितना शेल का है, खाली अंदर जाओगे तो जीरो नहीं होगा, याद रखना, अंदर जाओगे तो जीरो नहीं होगा, getting my point? अब अंदर जाओगे तो फॉर्मूला आएगा gmr divided by r cube और सेंटर पे पहुंचोगे तो जीरो होगा। ग्राफ का नेचर समझ में आया? Yes, sir. Yes.
अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन और बाहर की तरफ इस तरीके से हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग कर्व, अंदर की तरफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और बाहर की तरफ इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी। ओके है? यस सर। नेक्स्ट जो बॉडी मैंने आपके सामने रखी वो थी रिंग। रिंग के लिए कोई भी जनरल पॉइंट ऑन द एक्सिस अगर हम चॉइस करते हैं तो वी हैव फॉर्मूला जीएमआर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2 और एग्जैक्टली एट द सेंटर देखते हैं तो जीरो। रिंग के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? जब हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कितने डिस्टेंस पर आएगा? r/√2 और मैक्सिमम वैल्यू हम ये r/√2 यहां सब्स्टिट्यूट करके निकालें तो आ जाएगी 2gm/√3r² और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भूलना नहीं है, इस तरीके से आएगा। यहां मैंने नेगेटिव साइड क्यों दिखाई? बिकॉज डायरेक्शन नेगेटिव है ना, ऊपर डायरेक्शन नेगेटिव है और यहां मैंने नेगेटिव पोर्शन पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करते हुए इसे पॉजिटिव वैल्यूज के साथ बताया। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें आज तीन बातें देखनी है, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड के बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के बाद हम एक और बड़ी जबरदस्त चीज समझने की कोशिश करेंगे और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बड़े काम की चीज है। आज के सारे लेक्चर में मैं आपको बस फॉर्मूले 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 बताता जाऊंगा, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, पॉसिबल हुआ तो आज भी करेंगे बट टाइम के हिसाब से मुझे नहीं लगता आज हम न्यूमेरिकल्स कुछ कर पाए। बट आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरेशन जो आपको एकदम पक्का याद रखना है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अक्सर लिखा जाता है वी, सिंबॉलिकली वी, या समटाइम्स वी जी ऐसे भी लिखा जाएगा। Now see, कि ये एक मास है, कोई भी मास, अर्थ मान लें, कुछ भी। हम जानते हैं कि किसी भी मास के अक्रॉस, जिसका वैल्यू मान लेते हैं फिलहाल m है, तो किसी भी मास के अक्रॉस एक रीजन होगा और उस रीजन में इस मास का इन्फ्लुएंस है और इस रीजन को हमने क्या नाम दिया अभी अभी बताया आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड। यस, हमने इसे नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने अब ये भी देखा कि इस फील्ड की हम इंटेंसिटी कैसे लिख पाते हैं, पॉइंट मास के लिए हो, सॉलिड स्फीयर के लिए हो, हॉलो स्फीयर के लिए या रिंग के लिए। लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि कोई एक दूसरा मास जो है ये इस फील्ड से बाहर है। बाहर का मतलब इसे कहेंगे एट इंफिनिटी। फील्ड से बाहर अगर कोई भी चीज चली जाएगी ना तो उसे हम बोलेंगे इन्फिनिटी। याद रखें, इन्फिनिटी का मतलब यहां पर एक्चुअल या रियल इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर के किसी स्पेस में ऑब्जेक्ट रखा गया है। नाउ थिंक ऑन इट, कुछ मास को अगर हम इस फील्ड के अंदर ले आते हैं, समझने की कोशिश करना, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्क डन यहां पर परफॉर्म होगा, चाहे हम करें चाहे ये मास खुद करे। मैं थोड़ा सा जनरलाइज बात करूंगा कि इस मास को इस फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन, हमें नहीं करना चाहिए, मुझे, मैं ऐसा कहता हूं, यहां पर कुछ वर्क डन परफॉर्म होगा, कुछ काम होगा। ऐसे फ्री में तो मास अंदर नहीं आएगा, समझे ना? Yes. या इसे समझना चाहते हो तो उल्टा प्रोसेस लो कि ये मास यहां था, ये मास यहां था और कुछ करके मैं इसे बाहर लाना चाहता हूं, तो ऐसा करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। Yes, yes. क्योंकि ये मास तो काफी तगड़े तरीके से इस प्लैनेट से अट्रैक्टेड है, इस बड़े वाले मास से अट्रैक्टेड है, लेकिन मैं इसको इसके फील्ड से बाहर ले जाना चाहता हूं तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमें एक बात पता चलती है कि किसी एक्सटर्नल मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए देयर हैज टू बी परफॉर्म सर्टन सॉर्ट ऑफ वर्क डन, कुछ काम करना पड़ेगा। बगैर काम किए, बगैर वर्क डन किए कोई मास ना तो फील्ड में आ सकता है और न ही कोई मास फील्ड को छोड़ के बाहर जा सकता है। एकदम फंडामेंटल बात, क्लियर है?
अनुकूल. यस क्लियर है. विदाउट परफॉर्मिंग वर्क डन ना तो कोई मास फील्ड में आएगा और ना ही कोई मास फील्ड से बाहर जाएगा. अब इमेजिन करें कि आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी चीज को बाहर निकालना है. इमेजिन करें, मैं बाहर निकालने से समझाऊंगा आपको क्योंकि जल्दी समझ में आएगा इससे. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको किसी चीज को बाहर निकालना है. और इमेजिन करें सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको किसी चीज को बाहर निकालना है. तो इन विच केस यू हैव टू परफॉर्म मोर वर्क डन. अर्थ के केस में आपको ज्यादा काम करके बाहर निकालना पड़ेगा या सन के केस में आपको ज्यादा काम करके बाहर निकालना पड़ेगा? सन. सन ऑब्वियस बात है, सन का मास ज्यादा है. तो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, एस्केप करवाना चाहते हैं, तो वी हैव टू परफॉर्म लॉट ऑफ वर्क डन बिकॉज सन का मास ज्यादा है. इसी बात को हम कैसे समझाएं, इसके लिए भी तो कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी या कोई ना कोई फैक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कोई पैरामीटर हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो हमें यह समझाए कि कौन से प्लैनेट पर हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा या कौन से मास के लिए हमको ज्यादा वर्क डन एक्सपेक्टेड है और कौन से मास के लिए कम. कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये समझ पाए कि यहां हमें ज्यादा मास ज्यादा वर्क डन करना है और यहां हमें कम वर्क डन करना है. आर यू रियलाइजिंग द सिचुएशन? यस सर. तो वो जो पैरामीटर है जो हमें ये बताएगा कि यहां तुमको ज्यादा काम करना है, यहां तुमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और किसी किसी दूसरी जगह पर तुमको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इस पैरामीटर को ही हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. पोटेंशियल इस वर्ड से ही समझ में आता है ना, इस्तेदाद, ताकत. पोटेंशियल का मतलब ही होता है ना, समझने के हिसाब से. देखो मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मतलब मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं, यही मतलब हुआ ना. गेटिंग द पॉइंट? ओके. तो पोटेंशियल को डिफाइन करने का सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच ये है कि आप वर्क डन के रेफरेंस में बात करें. ठीक. सो इफ आई वांट टू डिफाइन इन अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच एकदम सिंपल अप्रोच में अगर मैं पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहता हूं तो उसका सबसे इजी तरीका ये होगा. ये देखिए, आई एम जस्ट पुटिंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास. What we should write? Yes, go on, read it. क्या बोलेंगे? Work done upon mass. Work done upon mass. Situation जरा समझिए. अब इसी example को मैं दोबारा repeat करता हूं. I just want quite convincing answer from your side. एक छोटा सा mass है. छोटा सा mass. ठीक है. इसका अपना छोटा सा gravitational field. इसका अपना छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड है. कोई बाहर एक दूसरा मास है M, इसको मैं अंदर लाना चाहता हूं या मान लो बाहर ले जाना चाहता हूं. और यहां इसको मैं अंदर लाना चाहता हूं या मान लो बाहर ले जाना चाहता हूं, मुझे कहां ज्यादा काम करना पड़ेगा? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? फर्स्ट केस में. फर्स्ट केस में तो जाहिर बात है इसका पोटेंशियल ज्यादा माना जाएगा. यस सर? नो? यस सर. और इसका पोटेंशियल कम माना जाएगा. अब ये एक चीज हो गई. एक दूसरी और चीज होती है, इस छोटे से मास को मैं ज्यादा अंदर तक लाना चाहता हूं. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? सेकंड पे. सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा हो तो हम समझ पाते हैं ना, पोटेंशियल से ही समझ पाते हैं कि हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा. एक ही पैरामीटर ऐसा हमें मिल जाता है जो हमें ये आइडिया दे देता है कि इस फील्ड में चलना है तो कितना वर्क करना पड़े, कितनी एनर्जी चेंज करना पड़े. गेटिंग द पॉइंट? वर्क करने का मतलब एनर्जी चेंज करना ही है, और क्या होता है? क्योंकि काम हो रहा है तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा तभी वर्क डन होगा. तो हम एक खास सिंगल पैरामीटर के जरिए ये समझना चाहते हैं कि यहां पर वर्क या एनर्जी का सिनेरियो क्या है और वो खास पैरामीटर क्या है. यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बाय डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट वगैरह वगैरह, वो तुम रट्टा लगा लो. सिंपलेस्ट वे ऑफ डेफिनेशन में क्या कह सकता हूं? वर्क डन अपॉन मास. क्या मेरी बात समझ आई?
इसी चीज का एक और भी तरीका है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लिखने का ना, एक और भी तरीका है, वर्क डन की जगह लिखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि हम यहां मास को एक्सेलरेट वगैरह नहीं करेंगे, खाली एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे बिना एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी बनाया जा सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मास, या कह लीजिए पर यूनिट मास। अब बेटा थोड़ा दिमाग चलाओ और मुझे ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा। यस, कोई खास दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे बोल सकते हो वर्क अपॉन मास, वर्क का यूनिट जूल, मास का यूनिट किलोग्राम, आपने आंसर दे देना चाहिए था। डायमेंशन बताएं, m1 l2 t minus 2 kg डिवाइडेड बाय m1 l0 t0, फाइनल डायमेंशन क्या बन गया, m0 l2 t minus 2, इसका डायमेंशन बन गया। ये क्वांटिटी कैसी है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ये कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर बड़ा सिंपल है, ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा। क्यों? ये डिपेंड किस पे कर रही है? वर्क पे। किस पे डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी पे। वर्क हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ये स्केलर है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी अपने आप में कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यस, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब आइए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखते हैं इसके लिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, बड़ी काम के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। पहला फॉर्मूला मैं किसी पॉइंट मास के लिए डिफाइन करता हूं, किसी पॉइंट मास के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट मास है कैपिटल एम, और इस पॉइंट मास से कुछ डिस्टेंस दूरी पर मुझे यहां आर, इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताना है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं फिलहाल वीजी लिख रहा हूं, आंसर गौर से सुनिए, जी एम डिवाइडेड बाई आर, आर ओनली आर, ओनली आर, नॉट अ स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, एंड देयर मस्ट बी अ सर्टन माइनस इन इट, माइनस। किसी भी मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, याद रखिए, हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। अब आपके मन में सवाल आएगा, यार नेगेटिव क्यों? तो इसका मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे देता हूं। देखो, इस मास को अगर मुझे अंदर लाना है तो मुझे काम करना है कि फील्ड को काम करना है? इसको अंदर लाने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा या फील्ड खुद कर लेगा? अट्रैक्शन है ना, मैं काम करूंगा इसको अंदर लाने का या फील्ड करेगा? बोलो तो सही, आप करेंगे ना सर? मैं कैसे करूंगा? फील्ड करेगा ना, अट्रैक्शन है ना। तो जब तक काम नहीं करेंगे तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? हम कहां काम कर रहे हैं अट्रैक्शन में? ये पेन है, मैंने छोड़ दिया, कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा, मैं तो छोड़ रहा, कौन काम कर रहे? ग्रेविटेशन खुद, फील्ड खुद कर रहा है ना, मेरे एफर्ट्स की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं है। आई डू नॉट डू एनी वर्क इन ब्रिंगिंग इन, हाँ अगर मुझे इसको बाहर ले जाना है, बाहर, तो अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा क्योंकि ये फील्ड इसको छोड़ेगा नहीं, तो मेरे को बाहर ले जाना पड़ेगा अगेंस्ट में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखना, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। किसी भी मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी किसी भी जगह पर पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि फील्ड खुद ही वेलकम करता है चीजों को, आ जाओ भाई, वी डू नॉट परफॉर्म एनी वर्क, बाहर ले जाने का रहेगा तो हमको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट, अंदर आना है तो हमको काम नहीं करना, फील्ड खुद ही खींचता है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो किसी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कभी भी किसी भी जगह पे लिखोगे तो याद से क्या लगाओगे? माइनस साइन। और इसका मैं और डिटेल डिस्कशन करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैं बस इंटेंसिटी और पोटेंशियल की कंडीशंस तुम्हारे सामने रखने के हिसाब से इस लेक्चर को ले रहा हूं। ओके, तो कोई भी मास अगर हमारे सामने आता है जिसके लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है, अर्थ हो, सन हो, मून हो, सादा सा छोटा सा स्पेक हो, डस्ट का पार्टिकल हो, छोटा बड़ा स्फीयर हो, कुछ भी हो, रिंग हो, कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज माइनस जीएम नेगेटिव, एंड देयर इज नो स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं आएगा,
याद रखना सीधा सीधा जीएम बाई आर, दैट्स इट, कहानी खत्म। क्या मेरी बात समझ आई अच्छे से? अब हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस लेते हैं, कुछ बड़े सिंपल और स्टैंडर्ड केसेस लेते हैं। पॉइंट मास के बाद हमने कौन सी बॉडी देखी थी लास्ट टाइम? स्फेरिकल शेल। अभी भी लेते हैं स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल के मैं तीन केसेस तुम्हारे सामने रखता हूं, ध्यान से सुनना। पहला केस रेडियस आर, दूसरा केस ठीक है रेडियस आर, तीसरा केस रेडियस आर। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बाहर, डिस्टेंस आर। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन सरफेस पर, डिस्टेंस कैपिटल आर। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन अंदर, डिस्टेंस स्मॉल आर। तो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा जी एम बाई कैपिटल स्मॉल आर। इस सिचुएशन में बनेगा जी एम बाई कैपिटल आर। मैंने कुछ गलती की सर? माइनस साइन। हाँ नोटिस किया ना तुमने, क्या आना चाहिए? माइनस साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए। तो यहां मुझे ध्यान से माइनस लगाना चाहिए, यहां भी मुझे ध्यान से माइनस लगाना चाहिए। अब बचा लास्ट अंदर, ध्यान से देखना, केयरफुली देखना, माइनस जी एम बाई आर। नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, समझे कि नहीं? कभी भी जीरो नहीं होगा विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, कभी जीरो नहीं होगा। बाहर रखोगे डिस्टेंस स्मॉल आर आ गया, सरफेस पे रखोगे डिस्टेंस कैपिटल आर आ गया, अंदर कहीं भी रखो, कहीं भी, लिसन मी केयरफुली, कहीं भी, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, सेंटर पर रखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट इट्स वैल्यू इज एट द सरफेस। शेल के अंदर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा? आंसर है उतना ही जितना सरफेस पर होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। शेल के अंदर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा? जितना सरफेस, उतना ही जितना सरफेस पर होता है। इसे ऐसे ही याद रखिए, ठीक है? मैं इसे लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। शेल के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होगा है, ठीक है? और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, एज यूजुअल ग्राफ हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए इसका ग्राफ आर और वी जी। अब सबसे पहली नोटिसेबल बात देखो, मैंने ग्राफ जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया, क्यों? क्योंकि VG की वैल्यू हमेशा कैसी आने वाली? नेगेटिव। बेटा ग्राफ को ध्यान से देखना, समझ लो क्या बनाया, फील कर लो। सेंटर पर और सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है, सेंटर पर से लेके सरफेस तक कितनी वैल्यू है? माइनस जीएम बाई आर। सरफेस क्रॉस करके बाहर जाओगे तो डिक्रीज होने लग जाएगा, मैग्नीट्यूड में कहोगे तो डिक्रीज होगा, बराबर है? यस। लेकिन सेंटर से लेके सरफेस आने तक कैसी वैल्यू रहेगी? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। सेंटर पे भी माइनस जीएम बाई आर, सरफेस पे भी माइनस जीएम बाई आर, बीच में कहीं भी लोगे तो भी माइनस जीएम बाई आर, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी किसी भी बॉडी के लिए, सॉलिड बॉडी के हिसाब से बात करें, हॉलो बॉडी के हिसाब से बात करें, जीरो नहीं होगा और कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? यस सर। अब आते हैं शेल के बाद आते हैं सॉलिड स्फीयर तक, ठीक है? थोड़ा सा वक्त देंगे ना एक्स्ट्रा? यस, रेडी है ना? यस सर। खत्म करते हैं इसको। सॉलिड स्फीयर के भी कुछ केसेस मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे ये पहला सॉलिड स्फीयर मैंने बना दिया,
मान लेते हैं, दो तीन केसेस मैं आपके इसके सामने रखूंगा, फिर दूसरा सॉलिड स्फीयर पॉइंट सरफेस पे लाते हैं यहाँ पे, तीसरा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और चौथा, इसके बाद चौथा, ओके, जस्ट गिव मी फाइव और फाइव टू सेवन मिनट्स मोर, विल कंप्लीट दिस आर्टिकल। तो अब ऑफ कोर्स इन सभी केसेस में हम ये कहेंगे कि इसका जो रेडियस है वो आर है और मास एम है, ओके, रेडियस इज आर एंड द मास इज एम इन ऑल केसेस। अब मान लेते हैं पॉइंट बाहर कहीं है, आर डिस्टेंस, पॉइंट एग्जैक्टली सरफेस पर है, आर डिस्टेंस, पॉइंट अंदर कहीं है, आर डिस्टेंस, और पॉइंट एग्जैक्टली एट द ओरिजिन है। आंसर्स आपके सामने बड़े क्लियर हैं, यहां बताइए वीजी, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, बिल्कुल सही, यहां बताइए वीजी, माइनस कैपिटल आर। अब यहां क्या होगा, ये सरप्राइजिंग बात है, ओके, अंदर हम चले गए सॉलिड स्फीयर के, लेकिन सेंटर पर नहीं पहुंचे, वी आर नॉट एट द सेंटर, ठीक है, वी आर नॉट एट द सेंटर। तो अब इसके डेरिवेशंस वगैरह बनाए जा सकते हैं, एज इट इज मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि हमको डेरिवेशन में जाना नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, हमें याद रखना है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। सो इन दिस केस जब हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो सेंटर से थोड़ा दूर है बट येट इन साइड द सॉलिड स्फीयर, देन वी हैव एन आंसर, वी जी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, घबराना नहीं है, रिपीट कर ले फॉर्मूला मन में, रिपीट कर ले अच्छे से फॉर्मूला, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय टू आर क्यूब, ओके, टू आर क्यूब एंड देन थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को जरा क्रॉस चेक करते हैं, समझो तुम सरफेस पर पहुंचे तो स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, स्मॉल आर रेडियस, हाँ, तो स्मॉल आर की जगह, स्मॉल आर की जगह आप क्या करो, कैपिटल आर पुट अप कर लो, कैपिटल आर, तो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर, टू और टू कैंसल, आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तीन पावर में से दो पावर कटेंगी, एक बचेगा, तो आंसर ये आएगा माइनस थ्री बाय आर, हाँ सर, इस फॉर्मूले को सरफेस के लिए इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पर बात करते हैं, अगर मैं सेंटर पे चला जाता हूं, सेंटर पे, तो आर का वैल्यू कितना होगा, जीरो, जीरो। अब इस फॉर्मूले में स्मॉल आर का वैल्यू जीरो रखो, तो बताओ वीजी क्या होगा, सोच समझ के बताना, माइनस जीएम बाय थ्री जीएम डिवाइडेड बाय टू आर, बेटा ये थ्री, ये तो जीरो हो गया, ये थ्री आर स्क्वायर, ये नीचे आर क्यूब, आर स्क्वायर कट गया, आर के तीन पावर कट गए, एक पावर बची आर, ये थ्री और ये टू, तो सेंटर पे इतना होगा, सेंटर पे भी जीरो नहीं हुआ, ध्यान से याद रखना, ये आउटर स्पेस में कहीं, ये सरफेस पर कहीं, ये इनसाइड कहीं और ये सेंटर पर। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, क्योंकि आप इसको याद रखोगे तो आप इससे रिलेवेंट सरफेस वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो और सेंटर वाला भी बना सकते हो, और बाहर कहीं है तब तो फॉर्मूला हमको याद ही रह जाता है, कोई खास बात नहीं है इसमें, माइनस जी एम बाई आर। और अगर हम इसका पूरा पूरा ग्राफ प्लॉट करें तो हमें बड़ा ही अजीब सा ग्राफ देखने को मिलेगा, ये देखिए बड़ा ही अजीब सा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, वी हैव दिस नेचर ऑफ द ग्राफ, मैंने मॉड्यूल में दे रखा है, मैं यहां पूरा बना नहीं रहा हूं। ये सेंटर पर है, सरफेस पर आते आते ग्राफ का नेचर पूरा पैराबोलिक होगा, बढ़ता जाएगा वैल्यू, सरफेस पर पहुंचे उसके बाद हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड में, ये वैसा ही हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग है जैसे यहां हो रहा था बाहर की तरफ, लेकिन ये अंदर वाले पोर्शन में एक पैराबोलिक इंक्रीज तुमको जरूर देखने को मिलेगा सेंटर से लेके सरफेस आने तक, यानी कि ये जो स्मॉल आर है, ठीक है, यहां देखिए ये जो स्मॉल आर है, जब तक ये
कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता है तब तक पैराबोलिक इंक्रीज हुआ मैग्नीट्यूड और उसके बाद फिर हाइपरबोलिक डिक्रीज हुआ। अब नेचर दिमाग में बिठाइए, ग्राफ पूछा, कट से ऑप्शन टिक कर दिया, काम खत्म। यस सुनो, वी कैन इवन मेक अ लिटिल कंपैरिजन, सरफेस और सेंटर की वैल्यूज का हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये कुछ कंपैरिजन के कंडीशंस में आपके सामने रखता हूं। ये सरफेस का फॉर्मूला है, ये सेंटर वाले फॉर्मूले के साथ जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3/2। अब देखो जीएम बाई आर हटा दो, जीएम बाई आर हटा दो, उसकी जगह सरफेस लाओ, तो सेंटर और सरफेस के कंपैरिजन इजीली किए जा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। अब आइए आगे बात करते हैं लास्ट बॉडी की, जो है रिंग। तैयार है आप लोग? यस लास्ट। यस सर। रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में एक बात याद रखना, जीरो होगी क्या, कहीं जीरो होगी क्या वैल्यू? नहीं सर। नहीं। कहीं पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है? नो नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। आंसर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो रेडियस है मैं ऐसे ऊपर लेता हूं लाइक दिस। अब ध्यान से देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा। Vg इज इक्वल टू माइनस, स्टैंडर्ड है, g सब में आता है, m सब में आता है, नीचे क्या आना चाहिए देखिए, हर बार क्या आता है नीचे की तरफ, क्या आता है यहाँ, डिस्टेंस आता है आर, है ना, डिस्टेंस आता है बेसिकली, आर नहीं बोलना, डिस्टेंस आता है। अब रिंग के केस में एक लॉजिक याद रखिए, रिंग के केस में चूंकि मास रिंग के सर्कमफ्रेंस पर फैला हुआ है इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते वक्त डिस्टेंस उसके सर्कमफ्रेंस से गिना जाएगा, डिस्टेंस रिंग के सर्कमफ्रेंस से गिना जाएगा इन केस ऑफ मेजरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बताइए तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? आर प्लस। करेक्ट है, पाइथागोरस लगा दिया मैंने यहां पे, तो यही डिस्टेंस मैं यहां नीचे मेंशन करूंगा, नथिंग एल्स, बस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये की पॉइंट याद रखना, अपनी नोट्स में कहीं इस बात को मेंशन करना, डिस्टेंस सेंटर से नहीं गिनेंगे पोटेंशियल लिखते वक्त, खास कहां से गिनेंगे? सर्कमफ्रेंस से। रीजन बड़ा सिंपल है, मास पूरा वहीं फैला हुआ है इसलिए, ठीक है। और ये पोटेंशियल के लिए होगा, इंटेंसिटी के लिए नहीं होगा, इंटेंसिटी का अपना अलग कैलकुलेशन था। अब सोचिए अगर ये पॉइंट मैं शिफ्ट करा के लाता हूं सेंटर पे, ओ पे ले आता हूं मैं एट सेंटर, तो कौन जीरो हो गया बेटा? आर। क्या आर जीरो हो गया, तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर को जीरो कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा? माइनस जीएम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, बस खत्म, दैट्स इट। इतनी छोटी सी बात आप यहां याद रखिए कि अगर रिंग के लिए मुझे पोटेंशियल लिखना है तो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस से गिनूंगा, एंड सो ऑन। अब जनरलाइजेशन याद रखिए पोटेंशियल का, क्या क्या मैंने आपको बताया, वर्क अपॉन मास, ऐसे करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, यूनिट डायमेंशन, पॉइंट मास के लिए क्या लिखा गया, शेल के लिए क्या लिखा गया, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूलीज हैं, और रिंग के लिए खास क्या फॉर्मूलीज हैं जिसमें हमने रिंग के सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस को गिना। ओके है, आज का जो लेक्चर था आपको ये मोर और लेस चीजों को याद रखने के हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको सारे फॉर्मूलीज बता दिए इसमें, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट वो मेरे ओपिनियन में एग्जामिनेशन के जो स्कोप है उससे थोड़ा सा हटके हैं। जैसे पूछ लिया भाई सिलेंडर का क्या होगा, डिस्क का क्या होगा, सॉल्यूशन बनाते बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल इस स्टेज पर हम एक सर्टन लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ ही बॉडीज के बारे में बताया, फोर डिफरेंट बॉडीज, पॉइंट मास, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और रिंग, चाहे वो इंटेंसिटी हो या पोटेंशियल। समझ आ गया? यस सर। ओके, तो आपको इसे अच्छे से याद रख लेना चाहिए।